class. In today's class, I am going to start with the new topic, that is M phase or metaphase. Before going to start, first revise our previous class topic or previous class content, that is what is cell cycle or how many phase of cell cycle consider. तो इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं. तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ एक सेल साइकिल का स्ट्रक्चर, सेल साइकिल. और यहाँ पे सेल साइकिल सिंपली टू फेज में डिवाइडेड है. वन इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज. इंटरफेज जो इससे पहले ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लास. व्हाट इज इंटरफेज? इट कंटेन्स थ्री स्टेजेस. दीज आर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज इज गैप फर्स्ट फेज, S फेज इज सिंथेटिक फेज एंड G2 फेज इज गैप टू फेज. तो हियर G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड देन M phase. तो यहाँ पे इसकी आज की क्लास में M phase डिस्कस करना है. What is M phase और mitotic phase? M phase और mitotic phase. Mitotic phase. तो एम फेज क्या है? G1, S फेज और G2 फेज. ये तीनों फेज इंटरफेज में आते हैं. तो सिंपली सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है इन टू फेज, दैट इज फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज. जो 93% सेल अपना टाइम स्पेंड करता है इन इंटरफेज, तो इंटरफेज में रहता है. इसमें 93% सेल जो टाइम स्पेंड करता है. नाउ व्हाट इज 93%? इट इज 23 आवर्स. और माइटोटिक फेज में और एम फेज में सेल जो इसका ड्यूरेशन रहता है सिर्फ 1 आवर. और इसमें जो एम फेज है इसमें 4 स्टेजेस आते हैं. वो 4 स्टेजेस हैं प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज. टीलोफेज माइटोटिक फेज इज सिंपली एक डिवीजन फेज है जिसमें सेल डिवाइड करके टू सेल्स का फॉर्मेशन करती है. और इससे पहले डिस्कस प्रीवियस क्लास में हो चुका है कि एम फेज में एक्चुअली और सेल साइकिल क्यों है. सेल साइकिल में क्या होता है? सिंपली इंटरफेज क्या है? एक प्रिपरेटरी फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि वो एम फेज में माइटोसिस फेज में अपने आप को डिवाइड कर सके इन टू डॉटर सेल्स में. तो एक पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं इन एम फेज में. तो यहाँ पे जितने भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पूरी जो फेजेस हैं या स्टेजेस हैं एम फेज के, इसमें सिंपली एक पेरेंट सेल होता है और एक पेरेंट सेल ये डिवाइड होके टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस डिवीजन के लिए एम फेज में ये डिवाइड कर सके इसके लिए वो इंटरफेज के G1 फेज में जाता है जहाँ पे वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन और कंस्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन होता है. नाउ सिंथेसिस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन होता है. नाउ जी टू फेज में इसलिए है क्योंकि एम फेज में उसे डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए जितनी भी एंजाइम्स और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वो सभी G2 फेज में सिंथेसाइज होती है और प्रिपेयर होता है. तो इसलिए G2 फेज और S फेज और G1 फेज जितनी भी इंटरफेज की स्टेजेस हैं ये सभी प्रिपरेटरी फेज हैं. तो जहाँ पर एक सेल डिवाइड होकर टू सेल
ये दोनों क्या है, डॉटर डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स है और ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। माइटोटिक फेज को इक्वेशनल फेज भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नोन एज इक्वेशनल फेज फेज। क्यों इक्वेशनल फेज बोला जाता है, क्योंकि पेरेंट सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज अगर ह्यूमन की बात करा जाए तो 46, तो उतने ही टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट में क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है और इक्वेशनल फेज भी बोला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। वेयर इज मियोसिस फेज, मियोसिस फेज में इसे रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, और वहां पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। या वहां पे 2n नहीं, सिर्फ n का फॉर्मेशन होता है और सिंगल सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, पहले m फेज और सिंपली माइटोटिक फेज डिस्कस कर लेते हैं। माइटोटिक फेज में फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेज, दीज आर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और सिंपली क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज तो जो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेज का वो ये है कि प्रोफेज स्टेज में, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस होता है, जो एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो एम फेज में पूरा कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर में और न्यूक्लियस मटेरियल का डिवीजन होना होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन करने के लिए सबसे पहले जो कंस्टिट्यूएंट है, या तो उन्हें डिसॉल्व करना होगा और या तो कंडेंस करना होगा। तो ये कैसे किया जाता है, ओके, तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो न्यूक्लियर कंस्टिट्यूएंट है उन्हें डिसॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे डिसॉल्व होने लगता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, अर्ली प्रोफेज स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होती है और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो प्रोफेज के, वो ये है कि डिसॉल्व और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज जो हमारा सिंथेटिक जब फेज था जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी और डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है और यहाँ पे सेंट्रियोल मूव करना स्टार्ट कर देता है,
सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम मुंह अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे दोनों अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल पहुंच जाते हैं। तो सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स। इसके साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जितनी भी प्रोफेज स्टेज में जब सेल जाती है तब यहाँ पे जो और सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिसॉल्व होना और वो भी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिसअपीयरेंस ऑफ डेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज वो क्या क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया एक्सेट्रा दिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ नेक्स्ट फेज है एनाफेज, वहां पे क्या होता है फिगर से समझ लेते हैं। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज, नॉट एनाफेज, मेटाफेज। नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो लेट प्रोफेज में कंडेंस हो जाते हैं और मेटाफेज में आने पर सभी क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं और इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर, सेंटर में काइनेटोकोर जो स्ट्रक्चर होता है जिससे दो क्रोमेटिड आपस में ज्वाइन होते हैं उन्हें बोला जाता है काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर इसी काइनेटोकोर से अरेंज हो जाता है और ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर और क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटर पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रोमियर, दीज आर आल्सो नोन एज सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर attach to kinetochore. Next characteristic, chromosome arrange on equatorial plate, on equator or equatorial plate. हो जाते हैं ना। इसके बाद थर्ड स्टेज क्या है, एनाफेज का स्टेज, जहां पे अब ये स्पिंडल फाइबर जब काइनेटोकोर से अटैच जाते हैं तब ये स्टार्ट करते हैं इनको अपनी तरफ पुल करना अपने, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम फेज में हैं, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस होती है तो न्यूक्लियर का डिवीजन और न्यूक्लियर मटेरियल का यहाँ पे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इन एनाफेज। एनाफेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थर्ड इज एनाफेज, एनाफेज
क्या होता है स्ट्रक्चर से, जब मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, तब इन्हें अपोजिट पोल की तरफ मूव करना या इन्हें खींचना स्टार्ट कर दिया जाता है, अपोजिट पोल की तरफ खींच लिया जाता है थ्रू सेंट्रियोल के हेल्प से और सेंट्रोसोम की हेल्प से और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एनाफेज का वो ये है कि मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम towards the opposite pole, towards the opposite poles. Now second characteristic यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम है साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम में फोर क्रोमेटिड्स हैं, दैट इज फोर क्रोमेटिड्स, एक काइनेटोकोर से फोर क्रोमेटिड्स अटैच हैं, तो दो क्रोमेटिड्स फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मूव कर गए और दो क्रोमेटिड्स यहाँ पे, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स ऊपर की तरफ मूव हो गए और दो क्रोमेटिड नीचे की तरफ मूव कर गए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिटिंग हो जाती है। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक यही है, पहला स्प्लिटिंग कहाँ से होती है, काइनेटोकोर्स और सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हो जाती है क्रोमोसोम की, और स्प्लिटिंग के बाद दोनों क्रोमोसोम और दो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास चार क्रोमेटिड्स थे, यहाँ पे क्या होता है एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ दो क्रोमेटिड होते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाती है, दोनों अलग मूव कर जाते हैं और दो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, तो एक दूसरे से अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट हो जाता है क्रोमोसोम का, जिससे कि यहाँ पर भी अब क्या थे चार क्रोमोसोम थे लेकिन क्रोमेटिड कितने थे, एट क्रोमेटिड थे, अब यहाँ पे भी चार क्रोमोसोम विद एट क्रोमेटिड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्योंकि हमें एम फेज पढ़ना है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन नहीं होता है, जेनेटिक डीएनए की सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है इन इंटरफेज में, जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम का अमाउंट सेम 46 होता है, तो 46 ही रहेगा, यह मेंटेन होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की सिंपली सिर्फ स्प्लिटिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं होता है। नेक्स्ट फेज इज टेलोफेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपीयरेंस होने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयरेंस होने लगती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्रोफेज में क्या था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी दिखने लग जाते हैं, तो ऑल्सो रीअपीयरेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है,
यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डेप्थ होने लगता है और सिंपली न्यूक्लियर एनवेलप टू न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियर एनवेलप, दो न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ इसके बाद यहीं पे कैरियोकाइनेसिस एंड हो जाती है. जब दो न्यूक्लियर फॉर्मेशन, न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहीं पे कैरियोकाइनेसिस एंड हो जाती है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है साइटोकाइनेसिस. तो जो इन फेज है दैट इज साइटोकाइनेसिस. अब यहाँ पे इस सेल को डिवाइड करके दो सेल में चेंज होना है. वो कैसे होगा, ये कैरियोकाइनेसिस. तो यहां पे कैरियोकाइनेसिस एंड हो जाती है. कैरियोकाइनेसिस के बाद बारी आती है साइटोकाइनेसिस की. साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे जब एक सेल से एक ही सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन आता है. अब साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे भी डेप्थ का फॉर्मेशन होता है और फरो का फॉर्मेशन होता है. फरो के फॉर्मेशन के बाद ये मूव करने लग जाते हैं और तब तक मूव करते हैं दोनों फरो, जब तक दोनों फरो एक दूसरे से अटैच ना हो जाए. फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और दोनों सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोजोम भी होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे. तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन हो गया. तो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म by the formation of furrow के formation के through cytoplasm का division हो जाता है और यहाँ पे एक cell से दो cells का formation हुआ और दोनों में ही genetic material same होगा. that is true and किससे सेम होगा, पेरेंट के कंपैरिजन में डॉटर सेल्स में भी जेनेटिक मटेरियल 2n ही होता है. अगर 46 है तो 46 रहेगा. नाउ नेक्स्ट जो डिवीजन है मियोसिस डिवीजन, वो क्या है, नेक्स्ट डिवीजन इज मियोसिस डिवीजन. माइटोसिस डिवीजन कहाँ होता है, वो जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है. जैसे कि इससे पहले डिस्कस हो चुका है, जब भी किसी वुंड का फॉर्मेशन होता है उस वुंड के फॉर्मेशन में कई सारी सेल्स डाई कर जाती हैं, या हमें जब चोट लगती है तो बहुत सारी सेल्स हमारी डाई कर जाती हैं. तो उन सेल्स की रिकवरी के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है और सिंपली ग्रोथ होने के लिए एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के लिए माइटोसिस डिवीजन होता है. मियोसिस डिवीजन कहाँ होता है, ये मियोसिस डिवीजन जितनी जर्म सेल्स हैं वहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होता है. इसमें जो एक सेल है वो डिवाइड करके इसमें दो डिवीजन आते हैं, दो डिवीजन दैट इज एनाफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकेंड.
मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट में भी दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, देन सेकेंड साइकिल जब चलती है यहाँ पे भी दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो 4 in number, तो एक सेल से 4 daughter cells का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। जो सेल्स है 4 number of cells फॉर्म बाय मियोसिस डिवीजन, 4 number daughter cells 4 number में बनते हैं, एक पेरेंट सेल से 4 number of cells डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस डिवीजन के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लेते हैं, फिर इनके स्टेजेस देखेंगे। जैसे माइटोसिस में स्टेजेस होते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ पर भी स्टेजेस होते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मियोसिस डिवीजन क्या है। मियोसिस डिवीजन ये जितनी भी जर्म सेल्स हैं वहाँ पे होती हैं होते हैं, इट टेक्स प्लेस ओनली इन जर्म सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स। तो इन रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस डिवीजन होता है और इससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसे रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। दिस आर आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला जाता है, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम का नंबर है तो जो डॉटर सेल में माइटोसिस डिवीजन में डॉटर सेल में भी 46 और 46 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 23 और 23 क्रोमोसोम आते हैं और फिर फर्दर यहाँ पे 23 मेंटेन रहेंगे, 23 क्रोमोसोम। तो हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, दैट इज इसीलिए बोला जाता है कि ये रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर टू द पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर। इन डॉटर सेल्स पेरेंटल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसमें माइटोसिस में पूरे 4 phases होते हैं, यहाँ पे पूरे 8 phases होते हैं। तो इट कंसीडर एट फेज। वो कौन कौन से हैं, वो है फर्स्ट इज प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर से जब अब यहाँ पे टीलोफेज के बाद ये 2 cells का फॉर्मेशन होता है और 2 cells के बाद जब फॉर्मेशन होता है फिर से ये सेल
डिवाइड करने जाती है, लेकिन सेकेंड टाइम क्या होता है, माइटोटिक ही डिवीजन होता है। तो पहले बार में मियोसिस डिवीजन हुआ क्योंकि रिडक्शन डिवीजन जस्ट हाफ हो गया, लेकिन सेकेंड बार में जो डिवीजन हो रहा है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो रहा है। तो जो सेकेंड डिवीजन सेम एज माइटोटिक डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन, दैट इज प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। तो इसे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा।